हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गाजर से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाने जा रही हूँ। तो इधर मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। इधर गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। 3 चम्मच मैंने यहाँ घी डाला है। घी हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं कद्दूकस किया हुआ गाजर को डाल रही हूँ। इसे मिला लेती हूँ। पांच मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा देती हूँ। अब ढक्कन को मैं हटा लेती हूँ। फिर से मैं इसे मिला लेती हूँ। आधा कटोरी मैं इधर चीनी डाल रही हूँ और इसे मिला लेती हूँ। यहाँ पर मैं 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो बिना मिल्क पाउडर के भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। और इसे मिला लेती हूँ। आप चाहे तो अपने अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं। स्वाद के लिए आप इलायची पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं डाला है और ये बन हो गया है। अभी एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह से लड्डू बना लेती हूँ। और इसी तरह से मैं सारे गाजर के लड्डू तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे तो कोई भी इसे शेप दे सकते हैं। तो गाजर का स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।